इस समय में जहां कोरोना की वजह से प्रदेश में स्थिति गंभीर बनी हुई है और सभी लोग इस वायरस से डरे हुए हैं, इसी वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते शिमला में रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हो रहे हैं और अस्पतालों में रक्त की भारी कमी हो रही है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ब्लड बैंक में भी रक्त न होने से मरीजों के ऑपरेशन रुके पड़े हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए कोरोना के डर को पीछे छोड़कर अस्पतालों में मरीजों की जिंदगियों को बचाने के लिए राजधानी शिमला में पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उमंग फाउंडेशन की पहल के बाद आज सुनील उपाध्याय ट्रस्ट ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर की शुरुआत से ही काफी युवा यहां रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस से बचाव को लेकर भी सभी तरह की हिदायत यहां शिविर में बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और जहां शिविर लगाया गया है उसे भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, जिससे कि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा न हो। वही मास्क व ग्लव पहनकर ही सारे कार्य किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर और शिमला शहर के अंदर कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति है। इस स्थिति में जो हमारा आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर निरंतर ब्लड की कमी आ रही है और इसकी जो इसी के चलते यहां पर विभिन्न संस्थाओं ने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया शिमला में। इससे पहले सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा भी आज एक पहल की गई है, जिसमें हमारे ट्रस्ट के सभी और शिमला शहर के आम लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अभी तक जो है हमारी 8 से 10 डोनेशन, अभी हमें आधा पौना घंटा शुरू किए हुए हैं, 8 से 10 डोनेशन यहाँ पर हो गई हैं और इतने बाहर 30-40 लोग अभी अपनी डोनेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी डोनेशन जो है यहाँ से आईजीएमसी के लिए होगी। देखिए ये हम एक समाज में हम जिस तरह से रह रहे हैं तो हमारा एक सामाजिक दायित्व भी ये बनता है कि इस समय में जब कर्फ्यू है तो एक आम जो डोनर है वो घर से बाहर निकलने में कतराता भी है और उसे कहीं ना कहीं लगता भी है कि मैं किस तरह से हॉस्पिटल में पहुंचूंगा। तो और जिस कारण से हमारा जो ब्लड बैंक है उसमें भी ब्लड की कमी आ रही है। ब्लड बैंक में भी अगर हम डॉक्टर से बात करेंगे तो निरंतर ये बात कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ब्लड आजकल हम डोनेट करें उतना अच्छा रहेगा। उसी को चलते हुए कि लोगों के बीच में जो एक झिझक है कि कर्फ्यू है और उसके कारण से हमें ब्लड डोनेट नहीं किया जाएगा, इन सब बातों को लेकर हमने वो झिझक बाहर निकालने के लिए और उस सबसे ज्यादा कि ये एक समाज के प्रति दायित्व है और इस दायित्व को भी हमें ही पूरा करना है और आम नागरिक को पूरा करना है, इस उद्देश्य से इस प्रेरणा को लेकर आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया है। हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।